विमुक्त घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश कोर कमेटी के समस्त पदाधिकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु घुमंतु प्रमाण पत्र में आने वाली परेशानियां व नई मांगों को लेकर राजधानी भोपाल पहुंचे। आज मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ के तत्वाधान में धनगर समाज के समस्त पदाधिकारी राजधानी भोपाल में इकट्ठे हुए हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह बघेल के नेतृत्व में आगामी सामाजिक कार्यक्रमों की रणनीति तय की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश प्रधान संगठन महामंत्री मधुसूदन धनगर ने आगामी देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती व धनगर महापंचायत आयोजित करने की बात कही। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष जीएस धनगर व नारी सशक्तिकरण शाखा अध्यक्ष श्रीमती हेमलता चौधरी ने भी अपनी बात समाज के सामने रखी। वंदे भारत के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। आप क्यों आए हैं आज भोपाल? क्या है? हम यहाँ ज्ञान सिंह बघेल जी के सानिध्य में मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन देने आए हैं कि घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ प्रमाण पत्र जो बन रहे हैं उससे हमारे कुछ वर्ग पिछड़ गए हैं, तो उनको ज्ञापन देने आए हैं कि इसको इसमें शामिल किया जाए, उस जाति को इसमें शामिल किया जाए। अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम बबली चौधरी है, मैं इंदौर से हूँ और विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ में महिला सशक्तिकरण शाखा से महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देना वो प्रोफार्मा देना, मैं थोड़ा सा इसका नाम हाँ बहुत बहुत अपने क्या है। आज हमारे रोले भैया, आज हमारे साथ मौजूद हैं विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी बघेल। आज पूरी कोर कमेटी भोपाल आई हुई है, तो आइए इनसे जानते हैं, समझते हैं कि क्या अपने उद्देश्य और क्या लक्ष्य के साथ आज भोपाल वो आए हैं। स्वागत है बघेल साहब आपका। बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले वंदे भारत के जितने दर्शक हैं उनको मेरा और मेरे संगठन की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद जी। आज हम सब लोग प्रदेश की कोर कमेटी विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ के सभी पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने आए हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद इतिहास में पहली बार विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ जाति जितने वर्ग में जातियाँ शामिल हैं उनके पारंपरिक व्यवसाय लगभग सभी के ख़त्म हो गए। जैसे लोहा पीटा एक जाति है, उसमें उनके जो घरेलू सामान जो बना के बेचते थे, हसिया खुरपी वगैरह या छोटे कृषि उपकरण जो बेचते थे, तो वो अब रेडीमेड मिलने लगे, उनका व्यवसाय ख़त्म हो गया। उन्हीं में से ठीक वैसे ही सर्प जो सपेरे वाले जो रहते थे ना, हम लोगों के बीन लेके सांपों को पकड़ के मनोरंजन करते थे, वन्य जीव संरक्षण के माध्यम से उनका व्यवसाय भी आज पूरी तरह ठप है। ठीक वैसे ही सभी जातियाँ, उनमें से एक धनगर जाति भी है जो जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन में भेड़ बकरी पालन था, और आज बंजर ज़मीनें और जंगल लगभग ख़त्म हो गए, तो उनका व्यवसाय भी ख़त्म हो गया। आज की नई पीढ़ी के जो युवा हैं वो आज अपने लक्ष्य से भटक ना जाएं, आज वो बेरोज़गार हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में बजट 2023-24 में एक अलग से युवा स्वरोजगार के लिए एक बजट अलग 252 करोड़ का दिया है। हम सब लोग उसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका सरकार का धन्यवाद देने आए हैं, आभार व्यक्त करने आए हैं। साथ ही हमारे इस 51 जातियों का जो एक संगठन है उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं आज भी जो धरातल स्तर पे उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, हम लोग उसके संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार को अवगत कराएंगे। बघेल साहब, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगे हैं और अभी जो प्रमाण पत्र की बात की जा रही है कि प्रमाण पत्र बनने में कोई असुविधा हो रही है, तो उसके लिए आपका क्या कदम है और आगे क्या करने वाले हैं आप उसके लिए? जी, अभी भी कई जिलों में हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्हें या तो इस मैटर से संबंधित कोई पूरी जानकारी नहीं जुटा पा रहे वो, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो विमुक्त घुमंतु प्रमाण पत्र जो भी अपनी मांग थी, जो भी दो भाई साहब पकड़ के गए संपादक साहब, बोल देना रेडी, बोल देना रोल है भैया, क्या मांगे भैया जो आप उपस्थित हुए? आज मांग हमारी 11 मांगे हैं हमारी, और उसमें सबसे मुख्य मांग है भारूड़ जाति जो धनगर जाति की उपजाति है उसको शामिल किया जाए, एवं अन्य और भी मांगे हैं जिसमें हम ज्ञापन देने वाले हैं, वहां पर देने वाले हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश के विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ
कि प्रदेश कोर कमेटी यहाँ पर आई हुई है सीएम साहब से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात होगी और हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनको अवगत किया जाएगा। और अभी महापंचायत होनी हुई, हमारे जो 52 जिलों के जो पदाधिकारी हैं, जितने भी 10,000 पदाधिकारी हैं, वो महापंचायत के लिए उनसे हम डेट लेने वाले हैं ताकि हम सीएम हाउस में सभी पदाधिकारी को लेके जाएं और उनकी रूबरू हों और सारी हम हमारी जो भी समस्याएं उनके सामने रखें। आप क्यों आए हैं आज भोपाल, क्या है? हम यहाँ ज्ञान सिंह बघेल जी के सानिध्य में मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन देने आए हैं कि घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ प्रमाण पत्र जो बन रहे हैं उससे हमारे कुछ वर्ग पिछड़ गए हैं, तो उनको ज्ञापन देने आए हैं कि उसको इसमें शामिल किया जाए, उस जाति को इसमें शामिल किया जाए। अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम बबली चौधरी है, मैं इंदौर से हूँ और विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ में महिला सशक्तिकरण शाखा से महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले आभार रोल है भाई, तो क्या मांगे क्या आपको? सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि हमारी जाति को घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाति में लिया गया है, जिससे हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे लोगों का कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। और आज हम विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंगठन के माध्यम से हम यहाँ पर प्रदेश कोर कमेटी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं सीएम साहब से मिलने के लिए। हमारी कुछ मांगे हैं जिनके उसमें प्रमुख मांग हमारी है, भारूड़ जाति जो है हमारी धनगर समाज की जो उपजाति भारूड़ है वह उसको नहीं लिया गया, छूट गई किसी कारणवश, तो उसको हमको उसमें जुड़वाना है। और उसके अलावा भी 10 मांगे हैं हमारी जो मुख्यमंत्री साहब के हम जो प्रदेश कोर कमेटी के जितने भी लोग आए सीएम साहब से मिल के वहाँ पर उनको अवगत करवाएंगे, हमारी जो समस्याएँ वो अवगत करवाएंगे। कई समझ जिलों में हमें समस्या आ रही है प्रमाण पत्र बनने में, कई परेशानी आ रही है, तो उनको उन जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है। और उसके बाद एक हमको डेट भी लेनी है, महापंचायत करनी है सीएम हाउस में, जिसमें हमारे 52 जिलों के जितने भी जिला पदाधिकारी हैं उसमें मौजूद रहेंगे, करीबन 10,000 लोग हैं और उसमें हम हमारे पदाधिकारी आएंगे और सारी समस्याएं जो भी रहेगी वो उनको रूबरू होगी। नाम मैं मधुसूदन धनगर, प्रदेश प्रधान संगठन मंत्री विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ भोपाल।